सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टड मोटो व्लॉग्स। तो भाई कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में भाई एक खास बाइक का रिव्यू देने जा रहा हूँ मैं, जो कि बजाज की तरफ से आ रही है फ्रीडम 125, जो कि भाई सीएनजी प्लस पेट्रोल में आ रही है भाई। हाँ भाई सही सुना आपने, सीएनजी प्लस पेट्रोल की सबसे पहली बाइक होने वाली है जिसके अंदर सीएनजी सिलेंडर फिट आएगा सीट के नीचे। वो आपको मैं आगे वीडियोज़ में दिखाऊँगा। बाकी भाई ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली है क्योंकि ये पहली बाइक है 125 सीसी में बजाज की तरफ से जिसमें सीएनजी आएगा और काफ़ी अच्छी माइलेज भी आपको देगी है। और इस बाइक का मैं इस पूरी वीडियो में डिटेल रिव्यू करने जा रहा हूं, तो भाई एंड तक देखना, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी। चलो फिर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले ना इसके इंजन की बात कर लेते हैं। इंजन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है भाई, इसमें आपको 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है जो कि 125 सीसी का आ जाता है। और इसके टॉर्क की बात करें तो भाई 9.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देते हैं भाई 5000 आरपीएम पे। नंबर ऑफ सिलेंडर्स की बात करें तो सिंगल सिलेंडर के साथ आ जाती है। और भाई इसमें गियरबॉक्स की बात करें तो 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आ जाते हैं। और थोड़े फीचर्स की बात कर लेते हैं भाई, इसमें क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं भाई। तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो आएगा वो इसमें डिजिटल आएगा, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको देखने को मिलेगी, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलेगा और डिजिटल स्पीडो ट्रिप मीटर ऑडोमीटर देखने को मिलेगा। और इसमें आप हैंडल पे आपको स्विच देखने को मिलेगा जिससे आप पेट्रोल पे दबाओगे तो पेट्रोल पे गाड़ी चलेगी और सीएनजी पे दबाओगे तो सीएनजी पे चलेगी, तो ये आप स्विच कर सकते हो। और एक इस पे आपको सिंगल सीट देखने को मिलेगी लंबी सी, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो। तो भाई अब इसके ना ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, तो इसमें 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आ जाएगी भाई। व्हील बेस आ जाएगा अपना 1340 mm का। और कव वेट की बात करें तो 147.8 kg का कव वेट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट मिलेगी। और इसमें भाई तीन वेरिएंट्स आएंगे, आपको बता दो भाई। एक बेस मॉडल आएगा इसका, जो टॉप मॉडल आएगा उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा फर्क रहेगा, और एक मिड वेरिएंट रहेगा इसका। तो भाई टॉप मॉडल में तो आपको जैसे मैंने बता दिया LED हेडलैम्प्स का सेटअप देखने को मिल जाएगा, बट इसके बेस वेरिएंट में आपको LED हेडलैम्प्स नहीं देखने को मिलेंगे, हेलोजन्स मिलेंगे। साथ ही साथ इसके इंडिकेटर और टेल लाइट में बल्ब देखने को मिलेगा। और इसके जो के माइलेज आपको अराउंड 65 kmpl की माइलेज देखने को मिलेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इसमें सीएनजी प्लस पेट्रोल रहने वाली है, तो आपको मेन बात बता दूं भाई कितनी सीएनजी इसमें डल सकती है और कितना पेट्रोल इसमें डल सकता है। तो भाई इसमें आपको 2 kg की आप सीएनजी डलवा सकते हो 2 kg की, और पेट्रोल आप 2 लीटर डलवा सकते हो, और आपकी माइलेज भी आपकी काफ़ी अच्छी चलेगी। तो आप फुल टैंक के बाद सीएनजी पेट्रोल दोनों भरवाने के बाद आप अराउंड 350 से 450 किलोमीटर इजीली आप चला सकते हो, जो कि इनफ होता है भाई एक बाइक के लिए। और इसके बाद इसके फ्रंट ब्रेक डायमीटर की बात करते हैं, तो 130 mm का फ्रंट ब्रेक डायमीटर मिलता है और रेयर ब्रेक डायमीटर 110 mm का। टॉप स्पीड इसकी जो जाएगी वो होगी 93 km/h 125 सीसी बाइक के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। और इसकी अगर पावर की बात करें तो 9.5 PS की पावर देखने को मिल जाएगी 8000 rpm पे। और ड्राइव टाइप बता दे तो चेन ड्राइव मिलेगी इसमें आपको। और ट्रांसमिशन की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। अब इसके सबसे मेन सस्पेंशन के ऊपर आ जाते हैं, तो फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, और रेयर सस्पेंशन में आ जाए तो मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। और फ्रंट और रेयर ड्रम ब्रेक्स मिलेगी, ड्रम ब्रेक्स मेरे ख्याल से बेस मॉडल में आपको देखने को मिलेगी, जो टॉप मॉडल है उसमें आपको डिस्क ब्रेक ही देखने को मिलेगी। और टायर साइज़ की बात करें तो भाई अगर टॉप मॉडल की बात करें तो 90 mm का टायर साइज़ देखने को मिलेगा फ्रंट में, और बेस मॉडल में आई थिंक 80 mm का टायर साइज़ देखने को मिलेगा। एंड रेयर की बात करें तो रेयर में आपको 100 mm का टायर साइज देखने को मिल सकता है। व्हील साइज की बात करें तो भाई फ्रंट में 431.8 mm का व्हील साइज देखने को मिलेगा, और रेयर में 406.4 mm का व्हील साइज। और अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे ट्यूबलेस टायर के साथ, ये काफ़ी अच्छी बात करी भाई बजाज ने। और इसमें जो आपकी ओवरऑल लुक्स की बात करें तो भाई काफ़ी अच्छी लुक्स होने वाली है। और इसके प्राइस की बात करें तो भाई आपको बेस वेरिएंट का प्राइस 95 के अराउंड देखने को मिल जाएगा, 95 से एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। और टॉप मॉडल का 1,10,000 से इसका एक्स शोरूम प्राइस
हो जाएगा भाई। और ऑन रोड आपका मतलब एरिया टू एरिया मैटर करेगा, तो आप अपने एरिया के मतलब चेक कर सकते हो कि आपके एरिया में क्या प्राइस है। बाकी एक शोरूम 95 बेस मॉडल का, टॉप मॉडल का 1,10,000 अराउंड शुरू हो जाएगा। तो भाई ये काफ़ी अच्छा प्राइस पॉइंट पे मिल रही है आपको 125 सीसी की बाइक, जिसमें सीएनजी भी है, तो काफ़ी अच्छी बाइक होने वाली है, जो कि डेली डेली जिनका रनिंग रहती है बाइक पे तो वो ले सकते हैं। ये आपको अच्छी खासी माइलेज भी दे देगी, डेली आप इसे इजीली सिटी में रन भी कर सकते हैं, तो लुक्स भी काफ़ी अच्छी आ जाती है। तो भाई ये आज की वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है फ्रीडम 125 से रिलेटेड, आपको प्राइस भी बता दी है, माइलेज सब कुछ इसकी इंफॉर्मेशन दे दी है, और ओवरऑल आप लुक्स भी देख सकते हो, ये वीडियो चल रही है भाई। तो आपको कैसी लगी बाइक, ये पहली सीएनजी बाइक बजाज की तरफ से भाई, बजाज ने कुछ नया ट्राई करा, तो भाई ज़रूर कमेंट बॉक्स में ऑनेस्ट अपने रिव्यू देना, मैंने अपनी तरफ से बता दिया सब कुछ, आप अपने रिव्यू देना आपको कैसी लगी, आप लोगे कि नहीं। इसका मीटर भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और सीट भी काफ़ी अच्छी है, और सीट के नीचे ही इसके सीएनजी सिलेंडर मिलने देखने को मिल जाएगा, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो कि ये ऐसे हट जाएगा और नीचे आपको एक सिलेंडर देखने को मिला है, जिसमें आप 2 kg सीएनजी भरवा सकते हो, तो काफ़ी अच्छी है। और भाई एक इसकी अगली वीडियो इस एक और मैं आने वाली है कि बेस मॉडल के ऊपर भी बनाऊंगा, और इसके टेस्ट के ऊपर भी बनाऊंगा कि मतलब सेफ़ है कि नहीं ये, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि भाई सीएनजी सेफ नहीं है बाइक, मतलब फ्रीडम बाइक जो है जिसमें सीएनजी आ रही है ये सेफ़ नहीं है लोगों के लिए, तो भाई ये भी अलग से वीडियो लाऊंगा। बाकी ये टॉप मॉडल की मेनली मेरे को वीडियो बनानी थी, तो कैसी लगी आप ज़रूर बता देना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपको अगले ऐसी ही बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।